इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं बॉलीवुड फिल्म शोर। तो शोर जो रिलीज हुई थी 15 सितंबर 1972 को और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसको 5 में से 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था और फिल्म के जो राइटर हैं उनका नाम है मनोज कुमार। जी हाँ दोस्तों, मनोज कुमार ने फिल्म को डायरेक्ट भी किया था, प्रोड्यूस भी किया था और वो इस फिल्म के राइटर भी थे। अब करते हैं कास्ट की बात। तो इसमें मनोज कुमार, जया भादुरी और नंदा लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। अब कलेक्शन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को फिल्म की जो बेसिक स्टोरी है वो बताना चाहता हूं इन शॉर्ट। स्टोरी काफी अच्छी है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो फिल्म में क्या होता है, जो मनोज कुमार है, जो लीड एक्टर है, तो एक बार एक एक्सीडेंट में उनकी वाइफ और उनका जो बेटा होता है उनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है, जिस एक्सीडेंट में उनकी वाइफ की तो डेथ हो जाती है लेकिन उनका जो बेटा होता है उसकी आवाज़ चली जाती है, यानी वो बोल नहीं पाता एक्सीडेंट के बाद से। तो उसके बाद जो है मनोज कुमार अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तड़पते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, आपका बेटा का अगर हम ऑपरेशन करेंगे उसके बाद आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन में बहुत सारा खर्चा आएगा। तो मनोज कुमार जो है वो किसी तरह से कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करके अपने बेटे का ऑपरेशन करवाता है। तो उसके बाद जब उनके बेटे का ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप अपने बेटे से आज नहीं मिल सकते, आप अपने बेटे से कल मिलिएगा। तो ठीक है, मनोज कुमार एक दिन का वेट करने के लिए अपने काम पर चले जाते हैं। उनका काम होता है मशीनों वगैरह का, सब कुछ काम होता है, लेकिन उनका काम में मन नहीं लगता और मशीनों में काम करते करते उनका खुद से उनकी कोई इंजरी हो जाती है, यानी उनका भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट की वजह से उनका कान जो होता है वो सुन नहीं सकते, यानी वो बहरे हो जाते हैं। एक तरफ है वो बहरे हो जाते हैं और एक तरफ वो अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तड़पते हैं। तो बेसिक फिल्म की जो स्टोरी है कुछ इसी तरह की है। चलिए अब बात करते हैं कलेक्शंस की। तो फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 88 लाख रुपीस का और इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, अब ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है वो है 1 करोड़ 70 लाख रुपीस का, 1 करोड़ 70 लाख रुपये का। यानी फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पर ऑफिशियल वर्डिक्ट रही थी वो रही थी एवरेज की। तो ये हो गई कलेक्शंस की बात, वर्डिक्ट की बात। फिल्म के अंदर टोटल 6 गाने थे और सभी गानों को कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी की जोड़ी ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।